बुरहानपुर जिले की, जहां पर जिले के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा में ऐतिहासिक मुगल कालीन धरोहर को ध्वस्त करने का मामला सामने आया है। वहीं मोहम्मदपुरा सलीम कॉलोनी के नागरिकों ने विरोध करते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि यहां पर मुगल कालीन ऐतिहासिक धरोहर होने के साथ ही पुरानी कब्रें भी मौजूद थी, जिसे कॉलोनाइजर ने JCB चलाकर ध्वस्त कर दिया है। वहीं धरोहर का पुराना मलबा भी कब्रिस्तान की जमीन के पास फेंका गया। यहां पर पुराने मकबरे और कब्रें भी मौजूद थी। मामले में नागरिकों ने तहसीलदार से मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। ये ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा का सलीम कॉलोनी है। यहाँ बहुत दिन से कॉलोनी कट रही थी, तो ये दो मीनार, दो गुम्बज खड़े हुए थे, उसके अंदर कब्रें थी बाकायदा। ये होटलर पे कब्र थी, और अभी इसको मंगल के दिन पूरा साफ कर दिया गया। रात में, बुध के दिन हमने वहाँ जाके देखे तो वहाँ पूरा मलबा पड़ा हुआ था, डेम्पर के द्वारा फेंका गया। और ये सब पुरानी इमारतें हैं, 400-500 साल पुरानी, 600 साल पुरानी। किसके द्वारा किया गया ऐसा कुछ? अब ये जो कॉलोनी काट रहे हैं उनके द्वारा किया गया। मुझे मोहम्मदपुरा सलीम कॉलोनी निवासी द्वारा ये शिकायत मोबाइल पर प्राप्त हुई थी कि कोई अमित जैन कॉलोनाइजर है भू माफिया के द्वारा। कदीम यहाँ पर दो गुम्बद थे और कुछ मज़ारात थे, उनको JCB से तोड़कर बिल्कुल समतल कर दिया गया। और ये मज़ारात निश्चित रूप से मेरे देखने में आए पुरातत्व की इमारत, पुरातत्व के तहत आना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 100 साल से पुरानी इमारतें थी। और इसके अंदर देखा गया कि मज़ारात को तोड़ा गया है। तो बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा की सलीम कॉलोनी में ऐतिहासिक मुगल कालीन धरोहर को ध्वस्त किया गया है कॉलोनाइजर के द्वारा, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया, प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। वहीं इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बुरहानपुर से तहसीलदार रामलाल पगारी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका MK न्यूज़ चैनल में। लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि मोहम्मदपुरा सलीम कॉलोनी के नागरिकों ने जो ऐतिहासिक धरोहर तोड़ने का विरोध किया है, क्या है सर पूरा मामला और आखिर क्यों कॉलोनाइजर ने इन इमारतों को तोड़ा है? सर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी समस्याओं के चलते शायद तहसीलदार साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। वहीं मोहम्मदपुरा सलीम कॉलोनी के नागरिकों ने इस पूरे मामले को लेकर विरोध जताया, प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर मुगलकालीन ऐतिहासिक धरोहर होने के साथ ही कुछ पुरानी कब्रें भी मौजूद थी, जिसे कॉलोनाइजर ने JCB चलाकर तोड़ दिया है। वहीं धरोहर का पुराना मलबा भी कब्रिस्तान की जमीन के पास फेंका गया। यहां पर पुराने मकबरे और कब्रें भी मौजूद थी। मामले में नागरिकों ने तहसीलदार से शिकायत की, कार्रवाई की मांग की है। और दोबारा हमारे साथ में बुरहानपुर से तहसीलदार साहब रामलाल पगारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका MK न्यूज चैनल पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि सर, ये पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों कॉलोनाइजर ने इन पुरानी मकबरों ऐतिहासिक धरोहरों को तोड़ा है? हाँ, ऐसी एक जानकारी मिली थी मुझे, वहाँ पर मेरे द्वारा मौका भी निरीक्षण किया गया है। वहाँ पर कुछ जो मतलब स्ट्रक्चर था वो डैमेज हुआ है, उसकी जांच करा रहे हैं। पटवारी को भेज दिया मैंने और RI साहब को भेज दिया, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन सर, मामला क्या था पूरा? क्या ये कॉलोनाइजर की जमीन है? क्या उन्होंने इस जमीन को खरीदा है? क्या कुछ मामला था सर? अभी प्राइमरी लेवल पे अब जांच करा रहा हूँ मैं। अभी तक RI पटवारी की रिपोर्ट नहीं आई है, पटवारी और RI की रिपोर्ट आएगी तभी स्थिति क्लियर होगी। लेकिन सर, अब चूंकि नागरिकों का मानना है कि ये ऐतिहासिक धरोहर है, तो इस पर तो कॉलोनाइजर का हक भी नहीं बनता है। हालांकि ये जांच के विषय है, आप जांच कर रहे हैं, लेकिन क्या कॉलोनाइजर पर कुछ कार्रवाई होगी? शिकायतकर्ता से भी चर्चा हुई है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा थाने में भी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिस व्यक्ति ने भी मतलब उस धरोहर को क्षति पहुंचाने की कोशिश करी है, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बुरहानपुर से बता दें, जहां पर सलीम कॉलोनी में मुगलकालीन धरोहर को ध्वस्त करने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर विरोध जताया, प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की है। हालांकि हमारी अभी बात तहसीलदार साहब से हुई, उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला जांच का विषय है। तहसीलदार ने पटवारी और राजस्व अधिकारियों को इसके लिए अधिग्रहित किया है, जांच की जा रही है और मामले में FIR दर्ज भी की गई है। जो भी मामला सामने निकल कर आएगा, जाँच में निकल कर आएगा, उसके बाद फिर प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करेगा।
खानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सलीम कॉलोनी में मुगल कालीन कुछ ऐतिहासिक धरोहरों को ध्वस्त करने का ये मामला सामने आया। मोहम्मदपुरा सलीम कॉलोनी की ऐतिहासिक धरोहर है और बता दें कि मोहम्मदपुरा सलीम कॉलोनी के नागरिकों ने इस ध्वस्तीकरण का विरोध किया है। और बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पूरी खबर की जानकारी और अपडेट देखेंगे। गोपाल जी, अभी हाल ही में हमने तहसीलदार साहब से बात की है इस पूरे मामले को लेकर, उन्होंने कहा कि पटवारी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, जो भी जांच में सामने निकल कर आएगा उसके बाद कार्रवाई करेंगे। हालांकि उन्होंने एक FIR दर्ज भी की है, लेकिन सवाल यह है कि कॉलोनाइजर ने इन धरोहरों को क्यों ध्वस्त किया है? क्या ये जमीन कॉलोनाइजर की है? और अगर कॉलोनाइजर की नहीं है तो फिर उन्होंने इन इमारतों को ध्वस्त क्यों किया है? जी बता देना चाहूंगा मनीष जी, जिस तरह से मामला धरोहरों को ध्वस्त करने का है, यहाँ लगातार जो है अवैध कॉलोनी कटरी है, जिसके चलते यहाँ पर कई बार तहसीलदार SDM भी यहाँ पर दौरा करते हैं और इन पर जो है कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन इस बार जो देखने में आया कि लगातार जो है या तो वक्त जमीनों को कब्जा कर रहा है, या फिर देखा जा रहा है कि जो जमीने किसी के खेत में है या किसी प्रकार से है, तो उसे कॉलोनाइजर अपने कब्जे में लेने के लिए जो है वहाँ की धरोहरों को भी ध्वस्त कर रहा है। लेकिन गोपाल जी, सलीम कॉलोनी में देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ पर सभी ग्रामीणों ने जो है विरोध भी दर्ज किया है और तहसीलदार रामलाल पगारे जी को जो है इस मामले में शिकायत भी दर्ज की है। अब देखना होगा कि इसमें कब तक जो है कार्रवाई होगी और किस तरह से जो है कॉलोनाइजर पर जो है शिकंजा कसा जा सकता है। कार्रवाई की बात उन्होंने की है, तहसीलदार साहब ने की है कि पटवारी जांच करेंगे, जांच के बाद में जो भी बातें सामने निकल कर आएगी, जो तथ्य सामने निकल कर आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की। हालांकि उन्होंने एक FIR दर्ज जरूर की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ये धरोहर ऐतिहासिक है, मुगलकालीन है, तो इस पर किसी कॉलोनाइजर का कब्जा कैसे हो सकता है? उसके नाम पर उसकी संपत्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि जो ऐतिहासिक धरोहर है उन पर तो प्रशासन का हक बनता है, शासन का हक बनता है, तो ये कैसे, क्या इस पर अवैध कब्जा किया गया है कॉलोनाइजर के द्वारा? निश्चित तौर पर जिस तरह से बुरहानपुर में ऐसे करीब 300 से अधिक यहाँ पर जो है धरोहर है, जहाँ पर कई खेतों में भी जो है प्राइवेट खेतों में भी इस प्रकार की धरोहर है जिनको ध्वस्त नहीं किया सकता, लेकिन बावजूद जो है जिस तरह से यहाँ पर कॉलोनाइजर की मनमानी देखी जा सकती है, भूमाफिया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेखौफ हो चुके हैं, जिसके चलते यहाँ पर लगातार धरोहरें जो है नष्ट की जा रही है। यदि हम बात करें तो पिछले 8 दिन पूर्व जो है एक कब्रिस्तान में कब्रों को ही खोद करके जो है जमीनों को समतल करने का मामला सामने आया था, जिसमें गोपाल जी 3 लोगों के खिलाफ प्रशासन ने मामला दर्ज किया। बिल्कुल गोपाल जी, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि वो कॉलोनाइजर कौन कौन है, क्या उनके नाम सामने निकल कर आए हैं और किन लोगों पर FIR दर्ज की है? जी निश्चित तौर पर जो है यहाँ पर जो कॉलोनाइजर है या जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे थे उन लोगों पर जो है FIR दर्ज की है। अब यहाँ पर सलीम कॉलोनी में भी जिस तरह से तहसीलदार रामलाल पगारे जी बता रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है एक FIR दर्ज की है, आखिरकार कौन लोग इसके अंदर और लिप्त है ये तो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए गोपाल जी आपका बहुत शुक्रिया। तो बुरहानपुर से ये बड़ा मामला, जहाँ सलीम कॉलोनी में मुगलकालीन ऐतिहासिक धरोहरों को ध्वस्त किया गया है, इसके विरोध में नागरिकों ने प्रशासन से गुहार लगाई और जांच की मांग की, कार्रवाई की मांग की है। हालांकि तहसीलदार ने इस पूरे मामले को लेकर पटवारी को अधिकृत किया है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके बाद वो इस पूरे मामले की कार्रवाई करेंगे।